Dear students, welcome to SBL Memorial Academy YouTube platform. How are you? I hope you are all fit and fine. Today is our video for class 6, subject SST. Chapter हम first पढ़ रहे हैं आज किसका? History के अंदर हमने दो chapter पढ़ लिए हैं. आज हम geography का chapter first पढ़ रहे हैं. The Earth and the Solar System, page number 125 पर अपना geography का first chapter है. द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम. अर्थ पृथ्वी एंड द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम का मतलब सौर मंडल, जिसके अंदर सूर्य है और भी क्या है, प्लैनेट्स है, जैसे जुपिटर है, मरकरी है, वीनस है, सैटर्न, ये सब जितने भी 8 प्लैनेट्स जो है ये सब हमारे किसके अंदर आते हैं, सोलर सिस्टम में आते हैं. और जो सन है यानी कि जो सूर्य है वो भी किसका है, सोलर सिस्टम का ही एक पार्ट है. ठीक है, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं. इस चैप्टर में हम अपनी अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में स्टडी करेंगे. ठीक है, द यूनिवर्स इज एन इनफिनाइट एक्सपेंस इन विच ऑल मैटर स्टार्स प्लैनेट्स सैटेलाइट्स एक्सेट्रा एग्जिस्ट. यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड. यूनिवर्स जो हम देखते हैं हमारे आसपास में, आकाश है, धरती है, ये सब क्या है, पूरा यूनिवर्स है यानी कि ब्रह्मांड है. इसमें क्या है, इज एन इन्फिनिट एक्सपेंस, इसका इतना विस्तार है, अनंत, जिसका कोई अंत नहीं है. ठीक है, इतना ये क्या है, फैला हुआ है. विच ऑल मैटर, इसके अंदर क्या है, सारे पदार्थ है. कैसे, स्टार्स यानी कि तारे. तारे हम देखते हैं रात को, आकाश के अंदर नजर आते हैं. प्लैनेट्स हैं यानी कि ग्रह, अभी मैंने आपको बताया था मरकरी है, वीनस है, जुपिटर है, सैटर्न है, ये सब क्या है, प्लैनेट है. सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रह. सैटेलाइट आर्टिफिशियल भी होती है, नेचुरल भी होती है. तो ये सब क्या है, ब्रह्मांड के अंदर अनंत है यानी कि जिसका कोई अंत नहीं है. ओके, द मोस्ट वाइडली एक्सपेक्टेड थ्योरी रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ द यूनिवर्स इज द बिग बैंग थ्योरी. द मोस्ट वाइडली एक्सपेक्टेड, मुख्य रूप से विस्तृत रूप से जिस थ्योरी को एक्सेप्ट किया गया है यूनिवर्स के क्रिएशन में, यानी कि ऐसा माना जाता है कि जिस थ्योरी के द्वारा यूनिवर्स का क्या हुआ है, निर्माण हुआ है, उसको हम बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी यानी कि बिग बैंग का सिद्धांत. ठीक है, भाई किस थ्योरी के कारण यूनिवर्स का क्रिएशन हुआ यानी यूनिवर्स का निर्माण हुआ यानी कि इसकी रचना हुई है, तो हम बताएंगे बिग बैंग थ्योरी यानी कि बिग बैंग का सिद्धांत. इट स्टेट्स दैट इन द बिगनिंग, शुरुआत के अंदर ऑल मैटर्स, जितने भी पदार्थ है, गैस है, डस्ट पार्टिकल्स है, डस्ट पार्टिकल्स का मतलब धूल मिट्टी के जो कण होते हैं, ऑल द एलिमेंट्स और जितने भी तत्व हैं, ठीक है, वाज कंटेंट इन अ ह्यूज, एक बहुत बड़ी मात्रा में एकत्रित थे, बर्निंग बॉल ऑफ फायर विच एक्सप्लोड विद द बिग बैंग, एक जलती हुई बॉल के अंदर ये सब क्या थे, एक साथ में थे, उसके अंदर शामिल थे, और जो कि वो बाद में क्या हो गई थी, एक्सप्लोड विद द बिग बैंग यानी कि वो क्या हो गई थी, विस्फोट हो गई थी, उसका क्या हो गया था, वो बॉल फट गई थी, जलती हुई बॉल थी एक, उसके अंदर ये क्या थे, गैसेस थे, डस्ट पार्टिकल थे, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब थे, और वो बॉल क्या हो गई थी, फिर उसका विस्फोट हो गया था यानी कि वो फट गई थी. ठीक है, मैटर वाज थ्रोन इन ऑल डायरेक्शन एज अ रिजल्ट ऑफ द मैग्नेटिक एक्सप्लोशन, और ये जो भीषण विस्फोट हुआ था इसके कारण जो भी मैटर थे वो हर डायरेक्शन के अंदर फैल गए थे. जैसे कोई भी चीज़ होती है उसका विस्फोट हो जाता है तो जो उसके अंदर होगी वो क्या होगी, चारों दिशाओं के अंदर फैल जाएगी. ओके, दिस मैटर फॉर्म्ड गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स, और ये जो मैटर जो चारों ओर फैला था इसने क्या, किसका निर्माण किया था, गैलेक्सीज ऑफ स्टार्स यानी कि आकाशगंगाओं का इसने क्या किया था, निर्माण किया था. ओके, मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड, ईच कंटेनिंग मिलियंस ऑफ स्टार. अब ये जो गैलेक्सीज है मिलियंस ऑफ थी, ठीक है ना, बल्कि मिलियन से भी ज़्यादा थी इनकी क्वांटिटी, और इस एक के अंदर, एक गैलेक्सी के अंदर मिलियन ऑफ स्टार थे यानी कि स्टारों की संख्या कितनी थी, मिलियन से भी ज़्यादा. मिलियन ऑफ सच गैलेक्सीज वर फॉर्म्ड ईच कंटेनिंग मिलियन ऑफ स्टार्स. आर ऑन सन बिलोंग्स टू द गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे. हमारा जो सन है सूर्य, वह भी क्या है, गैलेक्सी का ही क्या है, एक पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे कहते हैं. द नियरेस्ट गैलेक्सी टू मिल्की वे इज एंड्रोमेडा 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे. अब जो ये गैलेक्सी है मिल्की वे, ये कितना है, कितना दूर है एंड्रोमेडा, जिसको हम बोलते हैं 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे यानी कि 2 मिलियन प्रकाश वर्ष कितना है, दूर है. ठीक है,
ऑल द बॉडीज दैट वी सी इन द स्काई आर कॉल्ड हेवनली और सेलेस्टियल बॉडीज। जो भी हम देखते हैं, जो भी पिंड हम किस में देखते हैं, स्काई के अंदर यानी कि आकाश के अंदर जो भी हम पिंड देखते हैं वह क्या है, या तो स्वर्गीय है या फिर आकाशीय पिंड है। ठीक है, हमने क्या पढ़ा इस पैराग्राफ के अंदर कि जो ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड के अंदर क्या है, बहुत सारे मैटर्स हैं, स्टार है, प्लैनेट है, सैटेलाइट है, ये सब है। और इनकी जो थ्योरी है, ऐसा माना जाता है कि यूनिवर्स का जो क्रिएशन हुआ था तो वो किस थ्योरी के अंतर्गत हुआ था, तो हम उसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। ठीक है, और ऐसा माना जाता है एक बहुत बड़ी बॉल थी, जलती हुई बॉल थी, उसके अंदर गैस, डस्ट, पार्टिकल्स और बहुत सारे एलिमेंट्स उसके अंदर शामिल थे। और जब उस बॉल का विस्फोट हुआ तो जो उसके अंदर मैटर था वो सब क्या हुआ, ऑल डायरेक्शन यानी कि चारों दिशाओं के अंदर फैल गया। और जो ये मैटर फैला है उससे क्या बना, गैलेक्सीज का निर्माण हुआ था, यानी गैलेक्सीज बने थे और मिलियन ऑफ गैलेक्सीज बनी थी। और ईच गैलेक्सी यानी कि प्रत्येक गैलेक्सीज के अंदर क्या थे, मिलियन ऑफ स्टार्स थे। ठीक है, फिर जो हमारा सन है यानी कि जो हमारा सूर्य है, ये भी क्या है, गैलेक्सी का ही एक पार्ट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिल्की वे कहते हैं। और द गैलेक्सी टू मिल्की वे, वह गैलेक्सी जो मिल्की वे से कितना है, एंड्रोमेडा 2 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, जिसका क्या नाम है, एंड्रोमेडा, वो 2 मिलियन प्रकाश वर्ष यहाँ से दूर है। और जितने भी पिंड हम आकाश के अंदर देखते हैं वो क्या है, या तो स्वर्गीय है या वो आकाशीय पिंड है। ठीक है, अब आता है स्टार्स यानी कि तारे। आप लोगों ने देखे होंगे रात को अंदर, रात को आकाश के अंदर तारे हमको चमकते हुए नजर आते हैं। तो अ हेवनली बॉडी दैट ग्लोज ब्राइटली बाय प्रोड्यूसिंग इट्स ऑन हीट एंड लाइट इज कॉल्ड अ स्टार। वह आकाशीय पिंड जो अपनी खुद की रोशनी से चमकते हैं और क्या, जो हमें आकाश के अंदर नजर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, स्टार कहते हैं। ठीक है, स्टार्स आर बर्निंग मैसेज ऑफ गैसेस विच प्रोड्यूस ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट एंड लाइट। स्टार्स क्या है, कैसे जलते हैं, गैसेस होती हैं और उसका जो द्रव्यमान होता है उसके कारण वो क्या करते हैं, बहुत बड़ी मात्रा के अंदर हीट और लाइट प्रोड्यूस करते हैं। यानी हीट का मतलब गर्माहट और लाइट का मतलब रोशनी या प्रकाश। द सन इज अ स्टार, सूर्य भी क्या है, एक स्टार है, एक तारा है। लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ आर सोलर सिस्टम, कहाँ पर स्थित है, जो हमारा सोलर सिस्टम है वहाँ पर स्थित है कौन, सूर्य, सन। द नियरेस्ट स्टार टू आर सोलर सिस्टम आर अल्फा सेंटोरी एंड प्रोक्सीमा सेंटोरी विच आर अबाउट 4.3 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम आर सन। अब क्या है, द नियरेस्ट स्टार्स टू आर सोलर सिस्टम, हमारे सोलर सिस्टम के पास में जो स्टार है उसका क्या नाम है, अल्फा सेंटोरी एंड प्रोक्सीमा सेंटोरी, जो कि क्या है, विच आर अबाउट 4.3, जो कि 4.3 लाइट ईयर्स यानी प्रकाश वर्ष हमारे सूर्य से दूरी है उसकी। ठीक है, और इसके आगे हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिलेशन हम आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।